क्या कहा इस प्रॉब्लम में, कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अ प्लेन मिरर। बोलिए, कॉन्वेक्स लेंस प्लेन मिरर के कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ तुम्हारे पास में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ में कॉन्टेक्ट में कौन है? प्लेन मिरर। ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी क्या बोला है, इसकी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा हुआ है, इससे कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये कहा गया है कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोइंसाइड कर रही है, इसका एक ही तरीका पॉसिबल है कि मिरर पर लाइट जो पड़ी हो वो कैसे पड़ी हो? नॉर्मली पड़ी हो। मिरर पर लाइट नॉर्मली पड़ी हो, आपसे लेंस की फोकल लेंथ पूछी होगी। पूछिए, हो गया तो एक ही स्टेप में हो गया। क्या आंसर आया? 20। क्यों? क्योंकि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो रही है। रिट्रेस तभी करेगी ना जब मिरर पर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई हो। बताइए, रिट्रेस कब करेगी? जब लाइट रे मिरर पर कैसे इंसिडेंट हुई हो। और नॉर्मली कब इंसिडेंट होगी? जब लाइट रे फोकस से आते हुए इंसिडेंट हुई हो। फोकस से आते हुए इंसिडेंट हुई हो तो ये फोकस से आते हुए इंसिडेंट हुई होगी, पैरल हो गई होगी, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी आ गई? इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं, एक ही बार में हो गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा कृष्ण? ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है तो इसकी एक ही शर्त है कि मिरर पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई हो। ये मतलब पांचवा छठा प्रॉब्लम होगा जो अपन कर रहे हैं इस फंडे पे, और भी ढेरों आएंगी। मिरर पर लाइट कैसे इंसिडेंट हुई होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? और वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो क्या होगा? रिट्रेस कर रही है वो। तो ये कब पॉसिबल है? इसके नॉर्मली कब इंसिडेंट हुई होगी? जब इससे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो गई हो। जब लाइट रे इससे रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो गई हो? प्रिंसिपल एक्सिस के। और किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल कब होती है? जब फोकस से आई हो। तो मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? फोकल लेंथ के। कहो तो फोकल लेंथ कितनी आ गई साहब? 20 सेंटीमीटर। बोलिए, कर लीजिए, नहीं कराओ कर लिया। बोलो, ये हो गया था ना भैया? सेकंड, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों कोएक्सियली पड़े हैं। दोनों कोएक्सियली पड़े हैं अर्थात दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सेम है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर लेंस से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये देखिए, ये रहा लेंस और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ये लेंस है और ये मिरर है। ये लेंस है और ये क्या है? मिरर है। दोनों को एक्चुअली रखे हुए हैं, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? थर्टी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस द 25 मीटर फ्रॉम लेंस। एक ऑब्जेक्ट लेंस से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट जो है लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये रखा हुआ है। और फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है। तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब मिरर पर लाइट रे कैसे इंसिडेंट हुई होगी? नॉर्मली। और मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। अब फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है तो इसमें क्या पिक्चर बनेगी? ये लाइट रे ऐसी पड़ी, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कुछ ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी कहानी आएगी। मिरर पर लाइट रे कैसे इंसिडेंट हुई होना चाहिए? सुनाई कम पड़ रहा है मेरे को? ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई हो। जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो कैसे बाउंस करेगी? बोलो, नहीं आ समझ में? आ गया। तो तुमसे क्या पूछा है? लेंस की फोकल लेंथ पूछी है। बोलो,
क्वेश्चन समझ में आया क्या है? रे डायग्राम बनाओ, बड़ा सिंपल सा है साहब। एक लेंस है, एक मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आएगा। इससे रिफ्लेक्शन हुआ, इससे रिफ्लेक्शन हुआ, फाइनली ऑब्जेक्ट की इमेज वही बन रही है, मतलब कन्फर्म बात है कि मिरर पर लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो जाना चाहिए और नॉर्मली इंसिडेंट हो जाना चाहिए। मतलब मिरर को ऐसा लगना चाहिए कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आना चाहिए। तो मतलब इस लेंस ने कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनाई होगी, लेंस ने कितने डिस्टेंस पर इमेज बनाई? 50, 30 और 20, 50 है या नहीं है? लेंस ने अगर मिरर को हटा दूं तो लेंस ने यहाँ इमेज बनाई कि नहीं बनाई? कितने डिस्टेंस पर? तो हम इक्वेशन लगाएंगे 1/v + -1/u, और u कितना? इसको सॉल्व करके देखो, एलसीएम लोगे 1 + 2/50 = 1/f, तो f की वैल्यू कितनी? 50/3 cm, 16.67 cm। बोलो, समझ गए? हो गया था ना वो। चलो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट? को एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर के साथ में रखा हुआ है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इन दोनों के बीच का गैप कितना? 15। पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? तो पहला काम क्या करोगे तुम? सबसे पहला काम क्या होगा? लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। अरे बोलो, कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? नहीं मालूम। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर बना रखा हुआ है? 60। फोकल लेंथ कितनी है? तो इससे वी की वैल्यू निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से +30 आ रही होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो, इसने इमेज कितने डिस्टेंस पर बनाई? इसने जो इमेज बनाई वो यहाँ पर बनाई 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब ये जो इमेज बनी, ये मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। ये मिरर की तरह, मिरर के लिए किसका तरह काम करेगी? तो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, अभी मिरर से क्या करूँगा मैं? रिफ्लेक्शन। पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, अब मैं मिरर से क्या कर रहा हूँ? तो मिरर को क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अरे बोलो, कितनी डिस्टेंस से आ रही है मिरर पे? 15 से आ रही है। मिरर पे 15 से आ रही है। इक्वेशन लगाता हूँ 1/v + 1/u। गलती मत करना, मिरर में प्लस लगता है, 1/v + 1/u, और u कितना? u है भैया +15। क्यों +15? क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे गई और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए भी तुम ऐसे ही गए। इंसिडेंट लाइट ऐसे गई और तुम भी ऐसे जा रहे हो, इसलिए प्लस। और कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ कितनी इसकी, मिरर की? मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो यहाँ से v निकालोगे तो वो आ रहा है +30 सेंटीमीटर। तो ये रिफ्लेक्शन मारेगा, तो प्लस मतलब क्या? इमेज इसने कहाँ बनानी है? +30 पीछे बनानी है। फिर लाइटर टकरा कर क्या होगी, अब वापस से लेंस पर आएगी। बोलो ना, तो फिर लेंस से वापस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है, ऐसे आएगी। कितनी डिस्टेंस से आएगी? हरनूर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितनी होगी? क्यों 45? क्योंकि 30 पर वो हुआ, यहाँ से 30 सेकेंड टाइम, तो वो 30 है और ये 15 है, कुल मिलाकर कितना? 45। तो अब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, 1/v - 1/u। u कितना होगा? प्लस की माइनस? इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है,
और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए तुम ऐसे जा रहे हो। वन अपॉन एफ, एफ कितना? यहां से वन अपॉन वी, एलसीएम होगा 180। प्लस 36 मतलब उसके इस तरफ कहीं फाइनली लेंस से कितने डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी? 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बोलो समझ में आया मैंने क्या करा? हम कर चुके हैं यार ऐसी प्रॉब्लम्स। पहला काम तुमने किससे रिफ्रैक्शन करवाया? पहला काम तुमने किससे रिफ्रैक्शन करवाया? लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या? मिरर से रिफ्लेक्शन, और फिर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद समझ में आया कि नहीं? तो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, मान लो इमेज बनी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बोलो बनी या नहीं? हर्षित, सुशोभित, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस बनी। अब वो जो इमेज बनी वो इस मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो मिरर को लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? उस आई वन से आ रही है। आ रही है ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पर है वो? 15 सेंटीमीटर पर। तो अपन ने मिरर के लिए क्वेश्चन लगाई, ये 1/v2 नाम दे दिया इसको। मिरर को लगेगा लाइट रे आ रही है उस जगह से, आई वन से आ रही है, और वो यहाँ से 30 था तो यहाँ से कितना बचा? 15। इंसिडेंट लाइट ऐसे गई और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस निकालने के लिए तुम भी ऐसे ही गए, इसलिए प्लस लिखा। इज इक्वल टू 1/f कहो तो वी आया प्लस 30। प्लस 30 मतलब क्या? इमेज इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में बनेगी, मतलब उधर मिरर से 30 पर। तो अब वो अब लौट कर लाइट रे आई लेंस पर, तो लाइट रे मिरर को क्या लगेगा कि वो I2 से आ रही है, और I2 कितना? यहाँ से 30 और यहाँ से 15, कुल मिलाकर 45। और लाइट रे ऐसे आई, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे गए, इसलिए माइनस लिखा। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, सॉल्व करेंगे तो फाइनली लेंस से प्लस 36 सेंटीमीटर, मतलब इंसिडेंट लाइट ऐसे आई थी उसी की डायरेक्शन में इमेज बनेगी, तो प्लस 36 मतलब फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहीं यहाँ बनेगी। कहो लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की तो पॉजिटिव रहेगी ना, सर काम तो लाइट रे को कन्वर्ज करने का ही है ना, कन्वर्ज करने का, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कर चुके? चलो एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर, ये रही इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड ये मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। इंसिडेंट बीम पैरल किया, लोकेशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, फाइनल इमेज पूछी अपने से, तो पहला काम लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओगे। पैरल पड़ी इस पर, तो जब पैरल पड़ी तो लाइट रे इमेज कहाँ बनाएगा वो? फोकस पर। कितना डिस्टेंस पर? 20 पर। तो मिरर को क्या लगेगा? भैया लाइट रे उस पर ऐसी आ रही है, तो मिरर के लिए ये जो आई वन बना ये क्या काम करेगा उसका? कितने डिस्टेंस पर? भैया दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है क्या अपने को? 50 सेंटीमीटर, तो ये 20 है, तो बाकी कितना बच गया? ये तो मिरर को क्या लगा लाइट रे कहाँ से आ रही है? तो मिरर उसका रिफ्लेक्शन करवाएगा, तो मिरर से रिफ्लेक्शन करवाओगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/30, इन दोनों का एलसीएम होगा 30। तो v की वैल्यू कितनी? माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब इससे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो है वो इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस बने इमेज बनेगी। कौन सा मिरर है? तो इसको प्लस कर दूं मैं, इसको प्लस कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये भी प्लस हो गया। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई इससे? प्लस, तो प्लस 7.5, मतलब मिरर को लगेगा मिरर ने प्लस 7.5 मतलब वहाँ इमेज बनानी है पीछे, फिर लौट कर आएगी लाइट रे लेंस पर आएगी,
फिर से लेंस से क्या होगा? तो मिरर को क्या लगेगा, ये लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है, कितनी डिस्टेंस है? सुमित पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ 20 पर बनी, फिर इसने इमेज बनाई कितने पर, प्लस 7.5 पर। लाइटर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में इमेज यहाँ बनी, क्या लाइटर यहाँ रुक जाएगी, क्या होगा? लेंस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? तो लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है, कितनी डिस्टेंस है? सुमित बंसल ने सुनाई दिया मेरे को, तुम सब बोल ही नहीं रहा सही, और जब तुम सही नहीं बोलो तो तुम्हारे को फिर कॉन्फिडेंस आंसर बोलोगे नहीं, जिसको पता होता है वो जोर से बोलता है। कितने डिस्टेंस आ रही है? बताओ मत क्यों, मिरर ने जो इमेज बनाई वो समझ में आया कहाँ पे बनाई? सुमित बंसल मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ, कहाँ पर बनी, आगे कि पीछे? पीछे की तरफ। अब मिरर से लौट कर लाइटर लेंस पर आएगी तो मिरर को क्या, लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है, कितनी डिस्टेंस से आ रही है? क्यों 27.5? इस मिरर ने इमेज कहाँ बनाई, यहाँ कहीं बनाई, कितनी डिस्टेंस पर बनाई? तो लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है, 57.5 कैसे आया? 20, ये 50 था दोनों के बीच का गैप, और ये अभी समझ में आया? तो 1/v माइनस 1/u, u कितना होगा, माइनस की प्लस, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है और मैं उसके फार्मूला बेस तो सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा इसमें, मेरे को करने लायक है ही नहीं कुछ। और 1/f कितना, करिए आंसर, सेम प्रॉब्लम तुम कॉनकेव मिरर करके सॉल्व कर लो फटाफट से। कौन सा मिरर, हुई सेम प्रॉब्लम ये, इसमें तुम्हारे को अगर कॉनकेव मिरर लिया अपन ने, तो कॉनकेव मिरर लोगे तो फोकल लेंथ को क्या लिखोगे, यहाँ पर माइनस करके लिखोगे, तो फिर फोकल ये वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 आएगी। बोलो आ रही है, करके देखो, अभी थोड़ी देर पहले कर लिया था अपन ने एक्चुअली वो, तो -15 मतलब यहाँ का इमेज बनेगी, फिर ये लाइट रेस पर ऐसी पड़ेगी, तो मिरर को क्या लगेगा, ये लेंस को क्या लगेगा, लाइटर यहाँ से आ रही है, ये जो I2 था वो लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, वही लॉजिक है बार बार, कोई अलग सी चीज़ नहीं है, मतलब अपन ये 10वीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऐसी। फिर से लेंस से रिफ्रैक्शन करवाऊंगा, मेरे को लेंस को क्या लगेगा, लाइटर कहाँ से आ रही है, I2 से, तो लेंस पर अभी मैं फिर 1/v माइनस 1/u, बताओ u कितना होगा, कितना होगा u, 35, क्यों? क्योंकि ये पूरा 50 था उसमें से 15 उधर गया, तो बाकी कितना बचा, और 15 ये जो 35 होगा ये माइनस का लिखूंगा या प्लस का लिखूंगा, f कितना, हाँ वो तो मैं देख रहा था यार, ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल लो भैया, कितना आ रहा बताओ, करो करो कृष्णम, चार वेद होते हैं तो ये 2 वेदों के ज्ञानी हैं, फिर कोई होते हैं जिनको 3 वेदों का ज्ञान होता है, त्रिवेदी, ठीक है कि नहीं, एक त्रिपाठी था जिसको 3 पाठ कर रखे थे जिसने, प्रयाग त्रिपाठी, उससे पहले था एक तेजस्वी त्रिपाठी, तो उनको 3 पाठ कर रखे थे, एक होता है चतुर्वेदी जिनको 4 वेदों का ज्ञान होता है, पार्डन, आयरिश तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानी थे ये, तो इसलिए सेनानी हो गए, क्यों ऐसे ही है क्या, नहीं वो कुछ लोगों का सरनेम जैसे हमारे साथ में था, एक केसरी था, तो उसके दादाजी रहे थे पंजाब केसरी, है
ऐसा ही कुछ है ना, हाँ होता है वो। पर वो केसरी सरनेम जो है वो उसके दादाजी पंजाब केसरी रहे थे दंगल उंगल में। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। An object is placed 15 centimeter in front of a convex lens of focal on the ये तुम्हारे पास में क्या भैया एक लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बोलते नहीं है तो तुम यार बहुत नाराज रहते हो तुम मेरे से। हाँ ये बोला इसने बिल्कुल थोड़ा फोकल लेंथ कितनी है 10 है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज क्या बनेगी तो फटाफट अपन 1/v - 1/u निकाल लेंगे तो बनेगी कितने डिस्टेंस पर 30 पर। लगा लोगे लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन लगाओगे इमेज बन जाएगी 30 सेंटीमीटर पर। चलो ये इमेज बन गई। अब तुमसे पूछा है कि कॉनकेव मिरर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर को कहाँ रखे कि इमेज कैसी बने, ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर बने। इसका एक ही तरीका है कि मिरर पर लाइट कैसे पड़ी हुई हो नॉर्मली, तो मिरर पर लाइट नॉर्मली पड़े, ये रो मिरर, तो मिरर पर लाइट नॉर्मली पड़ी हो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20 सेंटीमीटर कहो ना, बोलते नहीं हो यार तुम ऐसे पड़ी हो। जब इस पर लाइट नॉर्मली पड़ेगी, जब इस पर लाइट कैसे पड़ेगी तो नॉर्मली जाएगी ना रे बाबा, अरे बोलो। तो ये डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 50 सेंटीमीटर, सिंपल कहो। मुस्कुराने की वजह तुम हो गया हो ये तो यार दिव्यांशु नहीं हुआ प्रियवंश, अरे तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कौन है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच के डिस्टेंस ठीक है। आपसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है जबकि इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है और आपसे बोला है कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ही, बोलो ना फाइनल जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, तो क्या बोला है तुमसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने, दोनों के बीच में कोई पैरेलक्स नहीं है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। मिरर पर लाइट कैसे पड़ना चाहिए, मतलब इस लेंस ने जब रिफ्रैक्शन करवाया हो, लेंस ने जब रिफ्रैक्शन करवाया हो तो वो इमेज बनाएगा I1। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सबसे पहली बार जो इमेज बनेगी वो I1, वो इससे कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनी होना चाहिए। बीस पर बनी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सुनाई नहीं दिया मुझको। मिरर पर जब लाइट रे पड़ी हो, मिरर पर लाइट रे कैसे पड़ी होगी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, और अगर इमेज उसी के साथ में कोइंसाइड कर रही है पैरेलक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मली आई हो, मतलब मिरर को लाइट रे यहाँ से आते हुए नजर आना चाहिए। और ये I1 क्या है, I1 क्या है जो किसने बनाई है,
आई वन इमेज किसने बनाई है? आई वन इमेज किसने बनाई है भैया? लेंस ने। कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंस है? लेंस की फोकल लेंथ है। लेंस ने इमेज क्या बनाई वो है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा निकाल सकते हो? निकालो, सब कुछ तो करके दे रहा हूँ तुम्हारे को यार, वही का वही प्रॉब्लम तो कर रहे हैं अपन जी। हो गया, बताओ क्या है? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा यार? हम मतलब ये आठवीं नवीं प्रॉब्लम कर रहे होंगे, शायद दसवीं प्रॉब्लम कर रहे होंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में कोइंसाइड कर रही है, पैरेलल्स है, पैरेलल्स नहीं मिल रहा। इसका तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय, मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या होता है? मिरर पर लाइट कैसी पड़ना चाहिए? अब मिरर पर लाइट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो नहीं आएगी ना, मिरर पर तो लाइट कहाँ से आएगी? लेंस से होते हुए आएगी। तो पहली इमेज कौन बनाएगा? अब लेंस ने ऐसी इमेज बनाना चाहिए कि वो जो इमेज बनेगी, पक्की बात है, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। हम हर बार जानते हैं, जब से पहली बार हुआ तो उसने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, फिर उसने जो इमेज बनाई वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और ऐसा चौथा कुछ हो तो फिर वो चौथे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। यही करते ना कृष्णा मैम हर बार। सो व्हाट इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस इज वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस, मिरर, ठीक है। एंड सिंस इमेज इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इट मीन्स दैट व्हाट लाइट हैज बीन इंसिडेंट ऑन मिरर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हैज इंसिडेंट ऑन मिरर नॉर्मली, एंड दैट कैन हैपन ओनली इन वन कंडीशन, व्हेन लाइट रे कमिंग टू मिरर इज कमिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई होना चाहिए सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो कि 20 पे, तो ये 10 पे, मतलब इस लेंस ने क्या करा, बाकी कितने डिस्टेंस पर इमेज बनाई? 10 पर इमेज इसने बनाई, 10 पर। सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ये लो हमको निकालनी है 1/f। f कितना सर? बस अब करना क्या था इसमें बोलो, u की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, प्रशेक रंदर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, हाँ नेगेटिव ही आएगी। कितने आ रही है? ठीक है, चैप्टर क्लोज कहो।